गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही होगी, आप खुश होंगे। सो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, अगर आप यदि किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है तो आखिर क्या है उनका हाल, और क्या वो आपसे दोबारा से कॉन्टेक्ट करेंगे अगर वो नो कॉन्टेक्ट में है आप दोनों। एनर्जी क्या कह रही है इस बेस पर टैरो कार्ड देखेंगे। सो यूनिवर्स से प्रार्थना कर लेती हूँ मैं, यूनिवर्स से, कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, यूनिवर्स सभी लोगों का रियूनियन हो जाए, सभी लोगों का उनके पर्सन का साथ हो जाए। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोग अपने पर्सन का नाम लेकर देखें, जनरल कलेक्टिव है तो नाम लेकर देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगर आपका नो कॉन्टेक्ट है तो नो कॉन्टेक्ट में वो पर्सन कैसा फील करते हैं, आपकी याद वगैरह आती है उनको कि नहीं आती है, और अगर याद आती है तो क्या कुछ होता है नो कॉन्टेक्ट में, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ चुका है और कार्ड मैं ले लेती हूँ। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो है, एक चीज़ तो बता दूँ आपको कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, तो और कार्ड ले लेते हैं, फिर मैं सारा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी भी टाइप की सर्विस लेना चाहते हैं, जन्मपत्रिक कुंडली टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है मेरा 9540119650, तो ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, भाई नो कॉन्टेक्ट स्थिति है, चल रही है और बहुत लंबे टाइम से चल रही है, और सच बता रही हूँ ना गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने आपके साथ बात इतने दिनों तक करी कैसे नहीं, क्योंकि इनकी जो हालत मुझे दिखाई दे रही है ना, मतलब लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतना ज़्यादा ये वीक हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, बॉटम ऑफ द कार्ड देखो, बॉटम ऑफ द कार्ड तो मतलब इनकी हर ऐसी एनर्जीज को बता रहा है जैसे कि मतलब हर वक्त ये ना आपका नाम लेते रहते हैं, हर वक्त इनके दिमाग में आप, मतलब कई जगह तो ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है ना कि ये पर्सन ना रात में सोते तक नहीं है, मतलब रात रात भर जागते रहते हैं। और क्योंकि देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ मजबूरियाँ भी इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा मजबूरियाँ, क्योंकि रात भर जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, है ना। और आप देखो कि पास्ट को लेकर ना, मतलब पास्ट की जैसे यादों में रात कट जाती है इनकी, है ना, कि दिन भर की कुछ हो सकता है कि कुछ काम हो, कुछ हो तो काम की तरफ भी फोकस करना पड़ता है, है ना, उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पर्सन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ना, मतलब रात में जागते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पास्ट, मतलब पूरा ना एक बात पास्ट की इनको मिस करते हैं, कि एक बात पास्ट की इनको याद आती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपने और आपके रिश्ते को लेकर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कभी प्रेजेंट के बारे में भी सोचते हैं कि मतलब कितना खुश थे, है ना। और दूसरी चीज़, कुछ ऐसी बातें भी हैं इनकी जो शायद ही आपसे ना बहुत ही ज़्यादा छुपा रहे हैं गाइस, और ये बात ये चाहते हैं कि ये आपको बता दें, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको सारा सच बता देंगे थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या कुछ ऐसी परेशानियां इनकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं और थर्ड पर्सन की बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स हो जाए, या फिर थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी हो जाए,
है ना। और क्योंकि इसमें मतलब मेरे को ना यहाँ पर फैमिली भी जैसे कि दिखाई दे रही है कि फैमिली का बहुत इनके ऊपर बर्डन है या फैमिली का प्रेशर है, जिसमें ना मतलब यू नो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हाँ चाहते चाहकर भी मतलब इंसान अपनी फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बता पाता है या फिर अपनी चीज़ों को इसलिए छुपा लेता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो अगर बताएगा तो और भी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, या फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे होप लगा रखी है, ठीक है, परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनसे होप लगाते हैं और इनके ऊपर मतलब हर चीज़ को लेकर ना इनके ऊपर ही प्रेशर बनाते हैं, इनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। तो मतलब इनका क्या है ना कि ये एक तरफ तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप यहाँ पर देखो बैलेंसिंग एनर्जीज का भी कार्ड है ना, तो एक तरफ तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा मुझे चीज़ें ना इनकी लाइफ में डिस्टर्ब दिख रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि ये अपने तक ही सीमित रखते हैं, है ना, मतलब नहीं करना चाहते किसी से शेयर क्योंकि इनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि जैसे ये अपनी फीलिंग्स किसी को बताएं कोई इनकी फीलिंग को समझे ना समझे, ऐसे फैमिली के लोग हैं, घर के लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये हालांकि चाहते तो हैं कि ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप में रहें, आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ कंटिन्यू करें, ठीक है, क्योंकि इनको मेन चीज़ कहना कि इनका इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, और ये कोशिश भी ये करते हैं कि मतलब क्योंकि चाहते भी हैं और कोशिश भी ये करते हैं दिल से कि इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो ना टूटे, तभी तो हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं, बैलेंस बनाने की सोचते रहते हैं, कुछ मतलब एफर्ट्स डालते रहते हैं। तो ये चीज़ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनकी हालत ऐसी हो गई है कि बिल्कुल तो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आपके साथ बात होती थी, आपके साथ इनका रिलेशनशिप था तो इनको एक सेटिस्फेक्शन था कि चलो सब कुछ ठीक है इनकी लाइफ में, और मन भी हल्का रहता था, है ना, मेन चीज़ है ना मन का हल्का रहना। मन हल्का हमारा कब रहता है, जब हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर लेते हैं और उसके साथ जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये चीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही है। अब ये जो सोच रहे हैं ना, ये क्या सोचते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि मतलब कैसे सारी चीज़ों को ठीक करें। दूसरा, इनके और आपके बीच में जो ये एनर्जी दिख रही है ना, जो ये पर्सन दिख रहा है, ये इंसान, ये चाहे वर्किंग प्लेस का हो, चाहे इनकी फैमिली का सदस्य हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, मतलब लाइक सोशल मीडिया से मिला हो या फैमिली इनको इनकी लाइफ में लेकर आना चाहती है लाइक दैट, चाहे ये वो इंसान हो, लेकिन इसका भी अपना है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान है, बहुत ही क्लेवर, और ये एक तरीके से पूरा हक जमाने की कोशिश करता है इंसान। और आपके पर्सन की फीलिंग्स सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हैं, भावनाएं इनके साथ नहीं जुड़ी हैं, हालांकि ये कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, यही कोशिश करता रहता है, ये करती रहती है जो भी ये पर्सन है कि ये मतलब हर चीज़ को कंट्रोल कर ले। ये आपके पर्सन से इनका एज डिफरेंस हो सकता है, जो थर्ड पर्सन है उनका आपके पार्टनर के साथ एज डिफरेंस दिख रहा है, पर हक और जमाना बहुत ज़्यादा मतलब इनका यहाँ पर दिखता है। इमोशनली जैसे क्या होता है ना कि मतलब इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा करके रखा है कि आपके पर्सन जो है ना वो इनके इमोशंस में, इनकी फीलिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जब से पहले आपके साथ बात करते थे ना, तो आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत एक अच्छी ऊर्जा दिख रही थी, बहुत मतलब हर चीज़ में आपके पर्सन हैप्पी रहते थे। करियर को लेकर टेंशन थी, क्योंकि कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि कहीं कहीं करियर को लेकर प्रॉब्लम थी, या करियर को लेकर कुछ करना चाहते थे लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनकी मतलब निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रही थी, बट आपके साथ थे तो ठीक था। बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी हालत ऐसी हो गई है, एक तो सोते नहीं हैं, बताया मैंने आपको, दूसरा सोचते बहुत रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा,
और ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनकी हेल्थ पर भी हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि शायद आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते होगे, है ना, फाइनेंस को लेकर आपने कभी तो इनकी हेल्प की है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ है तो ये अकेले हो चुकी हैं इस वक्त और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जीज को देखकर कि इनको ऐसा लगता है कि ये किसी और के ऊपर बर्डन ना हो या कोई इनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर फैमिली के लोग हैं तो इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा फील होने लगता है, इन्हें आपकी बहुत याद आती है, आपके साथ आपका साथ बहुत इन्हें याद आता है, बहुत मिस करते हैं। लव रिलेशनशिप है, अगर आप लोग बहुत टाइम तक किसी लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, कोई आपका शादी का वादा था इनसे या बहुत अच्छा कमिटमेंट था, तो इन्हें वो जो समय था ना, वो समय जब इन्हें याद आता है ना तो इनकी रातों की नींद ही उड़ती है। सबसे पहले आपकी दी हुई चीज़ें, जो गिफ्ट आपने दिए हैं, वो चीज़ें भी इनको मतलब याद है या फिर वो उनके पास रखी हुई हुई है। चाहते हैं दोबारा से कांटेक्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ये बता रहा है कि मतलब जो आपका पास्ट का पर्सन है वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है, वो आपको चाहता है कि आप उसके साथ रहो या आपके साथ जो उसका नो कांटेक्ट सिचुएशन है इतने टाइम से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, इन कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। राशि मेरे को दिख रही है, मैं बता देती हूँ दोबारा से जो मुझे समझ आ रही है और मैं उनको बता देती हूँ। कुंभ है, कन्या, तुला, मीन, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस एंड टॉरस है। ठीक है, इसमें से जो एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस और वर्गो और सैजिटेरियस के जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग जो आ रही है, वो करंट फीलिंग इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस वाली आ रही है। अगर ये पर्सन है आपके, ये राशि है, तो इस समय इस वक्त इनको स्ट्रेस इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में और ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तो इसलिए नो कॉन्टेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई है जो बराबर कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस दे रहा है और ये मतलब एक होता है ना किसी को बहुत ज़्यादा याद करना, तो वो चीज़ इनकी हालत बहुत ज़्यादा आपके बिना इनकी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मीन, कैंसर यानी कि कर्क, सिंह, वृश्चिक, खासतौर पर धनु, वृश्चिक, एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, ये राशियों के जो पर्सन हैं उनके साथ मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी एनर्जीज भी रिसीव कर रही हूँ। अगर आप लोगों के बीच में मैरिज को लेकर कोई भी ऐसी सिचुएशन थी या कमिटमेंट देकर ये मैरिज का भूल गए या वादे करके ये भूल गए, तो आप जो आगे जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैरिड को लेकर बहुत अच्छे हो रहे हैं, शादी को लेकर चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये क्योंकि ये चीज़ है कि बहुत स्लो चेंजेस हैं लेकिन चेंजेस देखने को मिलेगा। वक्त जो है वो आपका इस समय ना रुक गया है, कहीं कहीं देख रहे हो बिल्कुल रुक गया है वक्त, लेकिन यही वक्त आपका पूरी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ज़्यादा दिन तक आपके पर्सन नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, पूरी तरीके से पैशनेट भी हो रहे हैं, कई एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है। कुछ चाहते हैं, चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि ये आपके आपसे कांटेक्ट करें, ये चाहते हैं कि इनकी दोबारा से आपके साथ बातचीत शुरू हो जाए, ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका रियूनियन हो जाए, क्योंकि रियूनियन को ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रियूनियन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़, फाइनेंस को लेकर भी कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, अगर आपने कभी इनको फाइनेंशियल कुछ भी हेल्प किया है तो आज इन्हें फिर कहीं ना कहीं ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे दिख रही है इस कार्ड में।
दूसरी चीज़, परिवार की कुछ फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश करते हैं। कुछ फैमिली मेंबर के साथ इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं है और वो लगातार इनके ऊपर प्रेशराइज इनको करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, तो ये उनके साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ब्लॉक, अगर आपको ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको ब्लॉक करके आपके पर्सन फंस चुके हैं पूरी तरीके से। कैसे मैं बताती हूँ, मैं एक कार्ड ले लूँ पहले। मतलब कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि गुस्से में आकर कोई एक ऐसा स्टेप ले लिया, बाद में उसी स्टेप को लेकर इतना पछतावा हुआ कि क्यों क्यों ऐसा किया, और आज ना करते तो शायद आज बात कर रहे होते। तो अगर ऐसा हुआ है गुस्से में आकर उन्होंने या झगड़े में आकर आपको उस समय आनन फानन में ब्लॉक कर दिया था ना पिछला ऐसा, क्योंकि ये सोच ही रहे हैं ऐसा, पास्ट की ना बहुत सारी मेमोरीज इनके दिमाग में इतनी ज्यादा है ना कि वो कंट्रोल से बाहर, तो ये ब्लॉक करके ऐसे फंस गए हैं आपको, क्योंकि थर्ड पर्सन के दबाव में आके इन्होंने ब्लॉक कर दिया है ना, या गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर दिया। अभी एक तो गुस्से में अगर आकर ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर एक तो ईगो भी दिखाई दे रहा है, दूसरा थर्ड पार्टी से बहुत ही ज्यादा फियर और डर, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है ना वो इनको हर टाइम इनको वॉच करता रहता है कि ये क्या करने, निगेटिव एनर्जीज यहाँ दिख रही है। एक्शन इनका बहुत जल्दी होने वाला है, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, जो इनका अगला कदम है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब आप ये समझ लो कार्ड में एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में ना एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है इस समय पर अकॉर्डिंग टू कार्ड, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लो कि जब भी बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, मतलब जब भी बहुत ज्यादा रात हो जाती है, नाइट हो जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है ना, तभी वहां पर कहीं ना कहीं उजाला होता है। आपके इस रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा है जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरीके से एक नेगेटिव एनर्जीज की वजह से बंधा हुआ है, बट यहाँ पर सिचुएशन जो है ना वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने पर्सन की एनर्जीज को, आपके और इनके बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता या वो रिलेशनशिप ना खत्म होने वाला रिश्ता है। ये यूनिवर्स की साइड से दिया हुआ एक आपको एक गिफ्ट या तोहफा आप उसको समझ सकते हो। बहुत स्ट्रोंग चांसेस है गाइस, बहुत ही स्ट्रोंग। अब आप ये समझ लो कि इस स्ट्रोंग चांसेस में आपका रियूनियन हो ना, ऐसा मैं मान नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस स्ट्रोंग चांसेस में रियूनियन डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। और अगर सिचुएशन आपको लगता है तो एक बारी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी रीडिंग को, एनर्जीज को मैं चेक करूंगी कि कहाँ पर एनर्जीज स्टक है, किस जगह पर एनर्जीज ब्लॉक है, कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है, या फिर कहाँ पर एनर्जीज को पॉजिटिव करने की जरूरत है जिससे रियूनियन हो, ठीक है। आज के लिए जो नंबर मैं दे रही हूँ, मैंने कहा था आपसे कि मैं हर रीडिंग में आपको एक ब्लेसिंग नंबर सेंड करूंगी, जिस नंबर को आप डेली सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी। दूसरा, आपके जो कामों में रुकावट आ रही है वो काम आपके रुकावट नहीं आएगी, धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी चीज़ें हील होना शुरू हो जाएंगी। तो हर रीडिंग में, हर उसमें जब भी मैं रीडिंग करूँगी, मुझसे ज़रूर जुड़ा करें, ज़रूर देखा करें, ताकि वो ब्लेसिंग एनर्जीज आपको रिसीव हो। तो यहाँ पर जो मैं ब्लेसिंग नंबर आपको दे रही हूँ आज के लिए यूनिवर्स की साइड से, वो 2 नंबर दे रही हूँ, और ये नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पॉजिटिव करेगा बहुत तेजी से। फाइनेंस को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स थे या फाइनेंस को लेकर कोई भी दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं, तो अब ये जो नंबर है एक मैजिक की तरह काम करेगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ को चेंज करता जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो कहीं ना कहीं रिपीट दिस नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं रियूनियन की पॉसिबिलिटीज आज बहुत दिखाई दे रही है। स्टेप तो ले रहे हैं, एक्शन है, और ये एक्शन बहुत जल्द आपके साथ कहीं ना कहीं आपका पर्सन
दिखाई देगा, शो होगा। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी स्ट्रांग है, वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रांग रिसीव हो रही हैं। सो आई होप से कनेक्ट की होगी, नंबर्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना है और एनर्जीज आपकी स्टक हो गई है और कई टाइम से बहुत लंबे समय से एनर्जीज स्टक है, चाहे करियर की हो, चाहे रिश्ते की हो, चाहे रिलेशनशिप की है, तो आप कॉन्टेक्ट एक बार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपना रीडिंग को चेक करवा सकते हैं, नेम प्लेस के साथ नंबर आपको बता ही दिया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।